वाट इज बडिंग, बडिंग क्या है? इन अ बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी, बडिंग में जो बॉडी का एक स्मॉल पार्ट होता है पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से ग्रोज आउट, वो बाहर की तरफ निकलने लगता है, जिसको कि हम क्या टर्म बोलते हैं, बड बोलते हैं, विच देन उसके बाद डीअटैच और उसके बाद वो अलग हो जाता है एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी बडिंग प्रोसेस में एक बड निकलते हैं और वो बड जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो डीअटैच हो जाते हैं और नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जो बडिंग है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसमें केवल एक सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है, दो पेरेंट्स की इसमें जरूरत नहीं होती है। तो बडिंग को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और बाय बडिंग इन ऑब्जर्व हम काफी आसानी से बडिंग का एग्जांपल हाइड्रा में और यीस्ट में देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हाइड्रा में बडिंग प्रोसेस होता है। हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर एनिमल होता है और हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। और हाइड्रा किस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है? बडिंग से करता है, बाय यूजिंग द रीजनरेटिव सेल्स। और इसकी बहुत सारी रीजनरेटिव सेल्स होती हैं, इन रीजनरेटिव सेल्स का उपयोग करके हाइड्रा बडिंग स्टार्ट करता है। दिस हैपन एज फॉलोज इन हाइड्रा, फर्स्ट एक स्मॉल आउट ग्रोविंग आती है जिसे हम कि बड कहते हैं। हाइड्रा में सबसे पहले एक बाहर की तरफ को एक बड आने लगता है, आउट ग्रोविंग होने लगता है, जिसको बड कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा सकते हैं, यहाँ पर ये बड बाहर की तरफ आ रहा है। बड फॉर्म होता है साइड ऑफ इट्स बॉडी बाय द रिपीटेड माइटोटिक जो डिवीजन होता है सेल्स में वो रहता है, इसको हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। दिस बड देन ग्रोज ग्रेजुअली, और फिर ये जो बड होता है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा, और एक छोटा सा हाइड्रा बन जाता है, बाय डेवलपिंग अ माउथ एंड द टेंटेकल्स इसमें आ जाते हैं, एंड फाइनली द टाइनी न्यू हाइड्रा डिटैच, वो डीअटैच हो जाता है इटसेल्फ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट हाइड्रा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर ये पेरेंट हाइड्रा है, आपने यहाँ पे नोटिस करा कि बड इज फॉर्म, यहाँ पर एक बड फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो गया है। न्यू हाइड्रा यहाँ पर आपके पास ये आ चुका है, और फाइनली न्यू हाइड्रा सेपरेट इट्स फ्रॉम द पेरेंट्स है, और इसने अपने को जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म है उससे अपने को अलग कर लिया है। इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं, और ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यीस्ट का, और यीस्ट बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है बडिंग को समझने के लिए। तो यीस्ट में भी बडिंग का प्रोसेस होता है। चलिए समझते हैं कि यीस्ट इज टाइनी यूनिसेलुलर एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है। पहले बात तो ये नोटिस करिए कि ये नॉन ग्रीन होता है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना होता है, विच इज अ फंगस, जो कि एक फंजाई कैटेगरी में फंगस होता है। यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, यीस्ट सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है हाइड्रा के बाद बडिंग का। सो अ पेरेंट यीस्ट, इसमें जो एक पेरेंट यीस्ट सेल होती है, विच इज अ कंप्लीट, जो कि कंप्लीट प्लांट होता है, इन यीस्ट फिस्ट बड, सबसे पहले उसमें एक बड अपीयर्स होता है ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल्स वॉल, जो सेल वॉल उसकी होती है उसके आउटसाइड में वहां पर एक बड निकलता है। द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट यीस्ट, और जो पेरेंट यीस्ट का जो न्यूक्लियस होता है देन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट, वो दो पार्ट में डिवाइड होने लगता है, एंड वन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस मूव इनटू द बड, और एक जो पार्ट होता है वो बड बन जाता है। अल्टीमेटली द बड सेपरेट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट यीस्ट, और वो पेरेंट यीस्ट सेल जो होती है उसमें से सेपरेट हो जाता है एंड फॉर्म्स अ न्यू यीस्ट, और इस तरह से एक नया यीस्ट बनता है, एंड न्यू यीस्ट प्लांट, और एक नया यीस्ट प्लांट बनता है। द बडिंग इन द यीस्ट हाउएवर ऑफन टेक प्लेसेस सो दैट द फर्स्ट बड स्टार्ट फॉर्मिंग देयर ओन बड्स एंड ऑल देन रिमेन अटैच टू द पेरेंट यीस्ट सेल। जो ये प्रोसेस होता है बडिंग का, उसमें एक साथ काफ़ी बड आते हैं, तो पेरेंट्स जो सेल होगी यीस्ट की उसके साथ कई सारे जो बड यीस्ट हैं वो अटैच रहते हैं। आफ्टर सम टाइम ऑल द यीस्ट सेल ऑफ द चेन सेपरेट फ्रॉम द, और कुछ समय बाद जितनी भी यीस्ट यहाँ पे थी वो अपने को सेपरेट कर लेती है वन अनदर एंड फॉर्म अ इंडिविजुअल यीस्ट प्लांट बन जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ये एक यीस्ट सेल है, और इसमें आपने कितने आसानी से नोटिस करा कि बड फॉर्मिंग स्टार्ट हो गई है।
है। अब उसके बाद बर्ड जो होते हैं निप्ट, यहाँ से बर्ड रिमेन अटैच रहते हैं, बहुत सारे बर्ड अटैच रहते हैं और बहुत सारे वहाँ से अलग होने लगते हैं। तो इस तरह से लॉन्ग चेन ऑफ द यीस्ट सेल फॉर्म बन जाती है। इस डिस्कशन से आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ बडिंग, बडिंग क्या होता है और जो हाइड्रा है और यीस्ट होती है उसमें बडिंग प्रोसेस किस तरह से होता है। तो आप यहाँ पर अब आसानी से मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। Name the asexual method of reproduction. Asexual method of reproduction in hydra, yeast and the plasmodium. आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।